जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A हटने के बाद राहुल गांधी पहली बार लद्दाख दौरे पर पहुंचे। जैसे ही राहुल ने शनिवार को बाइक यात्रा की तस्वीरें शेयर की, उनका लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पीएम मोदी के नेतृत्व में हिमाचल क्षेत्र में बनाई गई शानदार सड़कों को बढ़ावा देने के लिए उनकी सराहना की। रिजिजू ने ट्विटर पर एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें दावा किया गया है कि वो साल 2012 का है। इसे स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहनों को लद्दाख में पेंगोंग त्सो के रास्ते में पत्थरों और चट्टानों से भरी एक अस्थायी सड़क पर चलने की कोशिश करते देखा जा सकता है। इस वीडियो के साथ राहुल गांधी को शानदार सड़क पर बाइक चलाते हुए भी एक फोटो शेयर की गई, जहां वे अपने पिता और पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर प्रार्थना सभा में शामिल होने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने एक पोस्ट में कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा बनाई गई लद्दाख की शानदार सड़कों को बढ़ावा देने के लिए राहुल गांधी का धन्यवाद। रिजिजू ने कहा कि पहले भी राहुल गांधी ने दिखाया था कि कश्मीर घाटी में पर्यटन कैसे फल फूल रहा है, और सभी को याद दिलाया कि अब श्रीनगर के लाल चौक पर शांतिपूर्वक राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा सकता है। रिजिजू के साथ संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी ट्वीट कर कहा कि लेह और लद्दाख में धारा 370 हटाए जाने के बाद राहुल गांधी ने खुद घाटी की यात्रा की। हम उनकी सड़क यात्रा की झलकियां लेकर उत्साहित हैं और प्रसन्न हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी इस समय लद्दाख के दौरे पर हैं। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग होने के बाद इस क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। इसके बाद ये उनका पहला दौरा है। कांग्रेस नेता अगले सप्ताह कारगिल भी जा सकते हैं, ऐसी संभावना है। राहुल गांधी गुरुवार को 2 दिवसीय यात्रा पर ले पहुंचे थे और बाद में पेंगोंग झील, नुब्रा घाटी और कारगिल जिले को कवर करने के लिए क्षेत्र में अपने प्रवास को 4 और दिनों तक बढ़ाने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीडी टीवी भारत।